बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम अपना सबक हॉकी पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हॉकी एक खेल का नाम है और जिससे ये खेला जाता है, ये स्टिक, इसको भी हॉकी कहते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का एक गेंद इस्तेमाल होता है। पहला पैराग्राफ में उन्होंने हमें खेल की अहमियत के बारे में बताया कि खेल खेलना, कोई सा भी खेल खेलना, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, बल्कि हमारी इखलाकी तरबियत भी करता है। और कोई भी खिलाड़ी अगर किसी मुकाबले में हार भी जाए तो उसे अपनी नाकामी को खुशदिली से कबूल करता है। इसके अलावा दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। फिर ये बताया कि ये एक कदीम खेल है। सबसे पहले ये ईरान में खेला गया और उसके बाद ये यूरोप में खेला गया, फिर यूरोप से ये बड़े सगीर में आ गया। आज हमने अपने पेज नंबर 61 से पढ़ना है। हॉकी का खेल 1908 में पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया। ओलंपिक्स एक खेलों के मुकाबले का नाम है जिसमें बहुत सारी गेम्स खेली जाती हैं, उनमें से एक हॉकी भी है। यानी 1908 में पहली मरतबा खेलों के मुकाबले ओलंपिक्स में हॉकी को भी शामिल किया गया। जिस मुल्क ने सबसे पहले ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता वो बरतानिया था। तलाई यानी सोने का, यानी सबसे पहले 1908 में ये ओलंपिक्स में शामिल किया गया और उसी साल ही, यानी पहले साल ही सबसे पहले जो है वो बरतानिया ने ये इसमें सोने का मेडल, गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में हिंदुस्तान की टीम ने हॉलैंड के शहर एम्स्टरडेम में खेले जाने वाले ओलंपिक्स में पहली मरतबा हिस्सा लिया और तलाई तमगा जीता। यानी 1908 में जब पहली बार ये खेल शुरू हुआ ओलंपिक्स के अंदर, तो सबसे पहला पहली बार बरतानिया ने अपनी जो है वो सोने का तमगा हासिल किया। फिर 1928 में हिंदुस्तान की टीम पहली बार ही ओलंपिक्स में गई खेलने के लिए हॉकी, और पहली बार ही उन्होंने सोने का तमगा हासिल कर लिया। फिर है 1940 तक ये एजाज़ हिंदुस्तान के पास रहा, यानी 1940 के तक हिंदुस्तान ही जो है वो इसको जीतता रहा। पाकिस्तान में हॉकी के खेल का जायज़ा लेने से पहले ये मुनासिब मालूम होता है। जायज़ा लेना यानी हाल दरियाफ्त करना, यानी एक ओवरव्यू लेना कि क्या पीछे होता रहा है, क्या अब हो रहा है और क्या उसकी आगे हिकमत अमली है। तो ये मुनासिब मालूम होता है, यानी ये हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले क्या करें कि उस खेल के बारे में चंद मालूमात हासिल कर लें। हॉकी का खेल दो टीमों के दरमियान होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जिस तरह से जाहिर सी बात है कि कोई भी खेल होगा तो उसमें दो लोगों के दरमियानी खेल हो सकता है। अब अकेला इंसान तो कोई नहीं खेल सकता ना, तो दो लोगों, इसमें भी दो टीमें होती हैं और हर टीम में 11 प्लेयर होते हैं। उनकी पोजिशनें ये होती हैं, गोलकीपर, वो जो मैंने आपको बताया था कि गोल पोस्ट, वहाँ पर एक जो है वो खड़ा होता है खिलाड़ी, उसे गोल कीपर कहते हैं। लेफ्ट फुल बैक, राइट फुल बैक, राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट आउट और लेफ्ट इन। ये मैदान के अंदर पोजीशनों के नाम हैं, कि जैसे ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि ये एक मैदान है जिसमें यहाँ पर गोलकीपर होगा और ये इस हिसाब से जो एक इतने हिस्से के हिसाब से, यानी उसके आधे हिस्से के हिसाब से राइट आउट, लेफ्ट आउट और सेंटर हाफ और फुल हाफ, इस तरह से करके खिलाड़ी को खेलने की पोजीशन होती है। जिस तरह से आप लोग क्रिकेट की मिसाल में देती हूँ, जिसमें वो बैट्समैन जो है वो विकेट्स के पास खड़ा होता है और पीछे जिसमें दूसरी मुखालिफ टीम का लोग जो बॉलिंग पे होते हैं उनमें एक पीछे विकेट के पास खड़ा होता है, फिर थोड़ा एक थोड़ा लेफ्ट पर खड़ा होता है, एक थोड़ा राइट पर, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल जहाँ पर मैदान ख़त्म हो रहा होता है और फोर्थ के लिए उन्होंने एक रस्सा सा लगाया होता है कि यहाँ पर जाने तक फोर जोन बनेंगे, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हॉकी में भी उन्होंने पोजीशनें मुकरर की होती हैं कि कौन से प्लेयर कहाँ खड़े होंगे। 1900 में इंटरनेशनल हॉकी रूल्स बोर्ड के नाम से एक इदारा कायम हुआ। यानी 1908 में ये शुरू हुआ, उससे पहले उन्होंने 1900 में जो है वो एक बोर्ड कायम किया जिसका नाम था हॉकी रूल्स, इंटरनेशनल हॉकी रूल्स। ठीक है, इसमें क्या जो है वो, जाहिर सी बात है, एक इदारा कोई क्यों बनाया जाता है, ताकि उसमें उन टीमों को पाबंद किया जाता है, उन ममालिक को पाबंद किया जाता है जिनकी टीमें खेलने में हिस्सा लेती हैं, कि उन्हें कुछ रूल्स हैं जिसे हर हाल में उन्हें फॉलो करना है।
जिसके तहत इस खेल के कवायद व ज़वाबत बनाए गए। कवायद व ज़वाबत यानी असूल और तरीक़ेकार कानून बनाए गए कि कौन किस तरह से खेलेगा, अगर किसी से कोई कैसी गलती होगी तो उसके हिसाब से उसको जो है वो जो है जुर्माना किया जाएगा प्लेयर को, या उसे बिल्कुल ही बैन कर दिया जाएगा, या वक्ती तौर पर उसे मैदान से निकाल दिया जाएगा। खेल की निगरानी दो ऐसे अफराद करते हैं जो खेल के कवायद व ज़वाबत से पूरी तरह आगाह होते हैं, उन्हें रेफरी कहा जाता है। रेफरी यानी खेल का मुनसिफ। जिस तरह से मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि क्रिकेट में एम्पायर होता है, इस तरह यहाँ पर जो हॉकी में होता है उसका नाम होता है रेफरी। शुरू में इनके इख्तियारात महदूद थे। किनके यानी रेफरी की बात हो रही है कि जब ये खेल स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने रूल्स बोर्ड वालों ने इनको रेफरी को अपॉइंट किया और उसे कुछ जो है वो दे दिए इख्तियारात, तो वो बहुत कम थे यानी बहुत लिमिटेड थे। बाद में उनके इख्तियारात में इजाफा किया जाता रहा। खेलते हुए कोई खिलाड़ी गलती करे तो ये उसे तंबीह करते हैं। तंबीह करना यानी खबरदार करना या मना करना कि आइंदा ये दोबारा ना हो, अदरवाइज़ हम आपको ग्राउंड से बाहर निकाल देंगे। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर दोबारा गलती करे या फिर कोई बड़ी गलती करे तो रेफरी उसे मैच से कुछ वक्त के लिए और किसी संगीन गलती करने के नतीजे में बाकी मैच के लिए खेल से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो गलती जानबूझकर करता है, यानी जानबूझकर किसी को हॉकी मार देता है या गेंद मार देता है या अपनी जगह से दूसरी जगह आकर खेलना शुरू कर देता है, या जो भी उनके खेलने के असूल हैं हॉकी खेलने के असूल उनसे थोड़ा इनहराफ करता है, तो फिर रेफरी उसे जान लेता है कि ये गलती उसने जानबूझकर की है या अनजाने में हो गई है। अगर जानबूझकर की हो तो उसे तंबीह करता है, उसे जो रेड और येलो और ग्रीन कार्ड इस तरह से दिखाए जाते हैं के आयदा से दोबारा ना करना। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती करता है तो फिर उसे कुछ देर के लिए मैदान से बाहर निकाल देते हैं, जैसे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि उसने खतरनाक गलती की है और बार बार उसे रिपीट कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है, तो फिर उसे पूरे मैच के लिए खेल से बाहर निकाल देते हैं। आगे उन्होंने हॉकी के मैदान के बारे में बताया। हॉकी के मैदान की लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर होती है। मैदान के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी से नुमाया किया जाता है, यानी उसकी लंबाई जो है, जो मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि देखें कि ये लंबाई है ये 160 मीटर है, ये चौड़ाई है 100 मीटर है, और इसके बाहर उन्होंने 8 मीटर चौड़ी पट्टी से उसे नुमाया किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वाइट कलर के वाइट रंग से उसे प्रोमिनेंट करते हैं। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.6 मीटर और ऊंचाई 2.1 मीटर होती है। गोल पोस्ट का सामने वाला रुख खुला होता है जबकि बाकी हर तरफ मजबूत जाली लगी होती है। खिलाड़ियों में सिर्फ गोल कीपर को टांगों पर घुटनों तक पैड बांधने, हाथों में दस्ताने पहनने और सर पर हेलमेट पहनने की इजाज़त होती है। ठीक है, कीपर को टांगों पर घुटनों तक पैड, पैड ये एक वाइट कलर के होते हैं, ये भी जैसे सर पर हेलमेट के लिए पहने जाते हैं ना, इस तरह से ये टांगों पर पहने जाते हैं। आपने अपने क्रिकेट में भी देखा होगा, ये इनके अंदर भी वो जो है ना वो फॉर्म वगैरह लगा होता है और रॉड्स लगी होती हैं ताकि गेंद या हॉकी लगे तो वो इंसान के जिस्म पर ना लगे, बल्कि ये बचाव के लिए लगाते हैं। उसके बाद है खिलाड़ी खेल के लिए जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं वो 18 से 21 औंस वज़नी होती है, यानी छड़ी या स्टिक, छड़ी यानी जो हॉकी इस्तेमाल करते हैं उसका वज़न जो होता है वो 18 से 21 औंस के बराबर होता है। हॉकी की गेंद सफ़ेद रंग की होती है। खेल दो वक्फ़ों पर मुश्तमिल होता है। वक्फ़ा यानी दौरानिया, यानी खेल के दो पार्ट्स होते हैं। हर वक्फे का दौरानिया 35 मिनट का होता है, यानी पहले खेल जब शुरू होता है तो 35 मिनट्स खिलाड़ी मुसलसल खेलते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक आता है और फिर खेल शुरू होता है और वो भी 35 मिनट्स का होता है। एक मैच के दौरान में एक टीम को ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ी तब्दील करने की इजाज़त होती है। 4 खिलाड़ी तब्दील करने की इजाज़त से मुराद ये है कि अगर कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो गया है तो उसको वो चेंज करके अपना फ्रेश खिलाड़ी भेज देते हैं मैदान में, और इस तरह से ज़्यादा वो लोग 4 को तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली मरतबा बैनुल अक्वामी मुकाबलों में 1948 में शरीक हुई, यानी हमारे मुल्क आज़ाद होने के एक साल के बाद ही हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए चले गए। उसके कप्तान अली इक्तदार दारा थे जो क़्याम-ए-पाकिस्तान से पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हॉकी टीम के नामवर खिलाड़ी थे।
ठीक है जी, आज तक आज हमारा यहाँ तक ही है। इसके आपने अल्फाज मानी अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।